अगली खबर में बात करते हैं उज्जैन की, जहां ढांचा भवन के मुख्यात गुंडे और पुलिस के बीच चली मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ गुंडा अनमोल गुर्जर। विक्रमनगर के पास चली मुठभेड़ के कारण क्षेत्र में अफरा तफरी मची। अनमोल ने पुलिस पर किया फायर। गोली गाड़ी में लगी बुधवार रात को विक्रमनगर रेलवे स्टेशन के पास कुख्यात गुंडे अनमोल गुर्जर और पुलिस में मुठभेड़ हुई, जिसमें आमने सामने की फायरिंग के बाद अनमोल गोली लगने से घायल हो गया। एसएसपी सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसएसपी सत्येंद्र शुक्ला ने बताया कि माधव नगर थाना प्रभारी मनीष लोधा को सूचना मिली थी कि विक्रम नगर रेलवे स्टेशन के पास कुछ लोग आम लोगों को डरा धमका रहे हैं, जिस पर टीआई अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर और आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया, तो गुंडों ने पुलिस पर 2 राउंड फायर कर दिए, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें अनमोल गुर्जर नामक कुख्यात गुंडे के पैर में गोली लगी और उसे पुलिस ने धर दबोचा। आरोपियों के पास से पुलिस ने पिस्टल बरामद की है। अनमोल का एक अन्य साथी भी गिरफ्तार हुआ है। अनमोल गुर्जर गैंग का सदस्य है, वो गुंडे रोशन गुर्जर और रौनक गुर्जर का साथी है। हाल ही में अनमोल ने दशहरा पर्व कुछ आरोपियों से चंदा वसूली की थी, जिसके बाद उसके खिलाफ 386 में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर 10 अपराध दर्ज हैं और 7,000 का इनामी बदमाश भी है। 3 वर्ष पहले इसके साथी रौनक और रोशन गुर्जर भी पुलिस से मुठभेड़ में घायल हो चुके और उस दौरान भी दोनों को गोली लगी थी। अभी पीछे ले स्टेशन ले आओ जल्दी। चलो हटो। ठीक है, और सुनाओ बस। हाँ, उनका पर्चा बनवा लीजिए फटाफट। पर्चा बनता है? पर्चा बनवा लीजिए। चौकी वाले गार्ड को, चौकी वाला यार। हेलो, थाना प्रभारी माधव नगर मनीष लोधा को एक सूचना प्राप्त हुई थी लगभग 9 बजे के आसपास का घटनाक्रम है, जिसमें ये जानकारी मिली थी कि कुछ बदमाश ऐसे हैं जो विक्रम नगर पुल के पास कुछ लोगों को धमका कर उनसे लूटपाट की कोशिश कर रहे हैं। इस पर थाना प्रभारी मनीष लोधा और उनकी टीम यहाँ पहुंची और जब यहाँ पहुंचे तो उसमें जो बदमाश है वो उनको देखा, तो जैसे ही गाड़ी से उतर के उनको ललकारा कि कौन है, तो उस पर जैसे ही चेस उनको ललकारा उसी दौरान ही उनके बदमाश के एक बदमाश द्वारा गाड़ी पे फायर किया गया और उसके बाद इनको चैलेंज किया गया। चैलेंज किया तो इन्होंने फिर एक दोबारा एक फायर राउंड और फायर, इसमें से 2 फायर किए, उस पर पुलिस ने भी जवाबी फायर किया। जवाबी फायर में एक बदमाश जो है उसको गोली लगी, पैर में गोली लगी है। दूसरा पैर जो बदमाश है उसको पुलिस ने दौड़ के पकड़ लिया है। बदमाश को तत्काल ही भेजा गया है, इसी में उसका इलाज शुरू हो चुका है।